मैंने मेरी मम्मी के साथ 17 को सेक्सुअल असॉल्ट हुआ, 3 लोगों ने मिलकर मेरी मम्मी के साथ फिजिकली गलत करा। और उसके बाद फिर उस दिन से मम्मी की तबीयत खराब होने लगी। उसके पहले मम्मी बिल्कुल ठीक थी मेरी मम्मी। हम पैदल आए थे, मैं उसको लेकर आई थी। उन्होंने पेशेंट के अटेंडेंट या लड़की ने अपना एक लिखित बयान थाना को दिया है और उस थाने में लिखित बयान के आधार पर जो उचित कार्रवाई होगी वो होगी नियम कानून के अनुसार। वो नाम नहीं हॉस्पिटल को दिया, हॉस्पिटल के ऊपर लगाया आरोप, बाय नेम नहीं है। कौन से मामले के तहत आईपीसी क्या है, कौन सी धारा के तहत? अब तो ये पुलिस स्टेशन जाएगा इनका FIR और वहाँ पर जो विधि सम्मत होगा धारा वो बैठेगा। पहले मेरी मम्मी के साथ 17 को सेक्सुअल असॉल्ट हुआ, 3 लोगों ने मिलकर मेरी मम्मी के साथ फिजिकली गलत करा। और उसके बाद फिर उस दिन से मम्मी की तबीयत खराब होने लगी। उसके पहले मम्मी बिल्कुल ठीक थी मेरी मम्मी। हम पैदल आए थे, मैं उसको लेकर आई थी। और उसके बाद फिर उसकी तबीयत बिगड़ने लगी। जब से ऐसा हुआ मैंने लोगों से बात की, हॉस्पिटल स्टाफ को बताया, तब से उन लोगों ने ऐसा कुछ करा, उन लोगों ने इंट्यूबेशन कर दिया। तभी तुरंत मेरे को बोला कि आपको साइन करना होगा, इनकी हालत ख़राब हो जाएगी, और उनको इंट्यूबेशन कर दिया ताकि वो कुछ बोल ना पाए। और उसके बाद फिर आज उनकी डेथ डिक्लेयर कर दी। क्या नाम था? हर दिन रात को हमको कॉल करके परेशान करते थे। कभी बोलते थे फिजिकल असॉल्ट का हम टेस्ट करेंगे, मैंने कंसेंट नहीं दिया, फिर भी जबरदस्ती उसका टेस्ट किया गया इतनी क्रिटिकल कंडीशन में। आपकी माँ का नाम क्या था? प्रियंका कुमारी है उसका नाम। हम कल्याण बिघा से बिलोंग करते हैं, 45 साल की है वो। अब आगे क्या कार्रवाई की? मर्डर केस चलना चाहिए और फिजिकल असॉल्ट का केस चलना चाहिए। प्रॉपर मर्डर है। पेशेंट को यहाँ लोग FIR दर्ज हो गया। पेशेंट यहाँ आते हैं, उनको लोग विक्टिम बना रहे हैं पेशेंट को, वो भी कोरोना पेशेंट को। बहुत शर्मनाक बात है। अब अस्पताल प्रबंधक पे केस करना चाहते हैं। अस्पताल बंद होना चाहिए, चलना नहीं चाहिए ऐसा। उन्होंने पेशेंट के अटेंडेंट या लड़की ने अपना एक लिखित बयान थाना को दिया है और उस थाने में लिखित बयान के आधार पर जो उचित कार्रवाई होगी वो होगी नियम कानून के अनुसार। वो नाम नहीं हॉस्पिटल को दिया, हॉस्पिटल के ऊपर लगाया आरोप, बाय नेम नहीं है। कौन से मामले के तहत आईपीसी क्या है, कौन सी धारा के तहत? अब तो ये पुलिस स्टेशन जाएगा इनका FIR और वहाँ पर जो विधि सम्मत होगा धारा वो बैठेगा।